हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फिर से मेरे बाल का हो चुका है कचरा और झाड़ दोनों। सो या, और आज का वीडियो होने वाला है ट्रेनिंग के ऊपर। यस, क्योंकि मैं बहुत थोड़े से टाइम से स्नोई को ट्रेन कर रही हूँ एंड आई एम वो हो रहा है सक्सेसफुल धीरे धीरे। सो आई थॉट टू शेयर दैट विथ यू एंड स्नोई ट्रीट्स के लिए। अभी से ही पागल हो रहा है, इससे पहले भी हमने कर लिया है, 3-4 सेशन हमने कर लिए थे, 3-4 सेशन कर लिया। बीच में मैंने बहुत ज्यादा गैप लगा लिया क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए थे एंड समर वेकेशन थे, तो मुझे याद ही नहीं रहा एंड मैंने बहुत बड़ी गलती करी। बहुत बड़ी गलती कर दी और तो मैंने सोचा आपसे मैं कंटिन्यू, जब तक वो सीख नहीं जाता मैं कंटिन्यू डेली सुबह और शाम 10 मिनट तक करूंगी ट्रेनिंग या। और दैट्स इट। सो अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ मैं ट्रेनिंग के लिए क्या यूज करती हूँ। बेसिकली मैं ट्रेनिंग के लिए स्नोई के बिस्किट्स यूज करती हूँ, डॉग बिस्किट्स। लेकिन आज मैं यूज कर रही हूँ मदर एंड पप वाला पेडिग्री, बिकॉज सुबह ही मैंने वो उसको ट्रेन करते टाइम लिया था, बहुत ज्यादा खा लिया था उसने, तो मैं सोचा अभी वो नहीं देती हूँ वरना हल खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पेट अपसेट हो सकता है। तो मैं सोचा ये वाला ठीक रहेगा पेडिग्री, इसे पेडिग्री भी बहुत ज्यादा पसंद है, ड्राई पेडिग्री स्पेशली। सो या, हमारी ट्रेनिंग की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो या गाइस, हमारा कैमरा स्टैंड खराब हो गया है तो मुझे नीचे रखना पड़ रहा है इसे। तो यार गाइस, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। स्नोई को ऑलरेडी देखो पागल हो गया है वो ट्रीट्स के लिए। सो यार, ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सिट कमांड। तो हम सिट उसे कैसे सिखाएंगे मैं आपको बताती हूँ। सो पहले मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ, फिर स्नोई को बताती हूँ उसका कैसा करता है वो। सो गाइस, या आपको क्या करना होगा सिट ट्रेनिंग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपके डॉग को बोलना होगा सिट। सिट नहीं बोलना है, बस आप क्या करना है ऐसे उसको ऐसे ऊपर दिखाना है एंड वो अपने आप बैठ जाएगा। तब उसे प्रेस करो, गुड बॉय बोलो, जो भी करना है करो। जैसे वो बैठ जाता है उसको सिट बोलना, नहीं बैठने से कुछ टाइम पहले आप उसको सिट बोल दो। क्या बस में सिट बोल दो, मतलब आपको मैं शो करती हूँ कैसे करना है। आप सी, दिस इज द ट्रीट एंड दिस इज योर डॉग, समझ लो ऐसा। सबको क्या करना है, इसे ऊपर तक पकड़ना है। जैसे आपका डॉग बैठ जाएगा सिट बोलना है इमिडिएटली। फिर उसके बाद आपको उसकी तारीफ करनी है और इसको इसको कंटिन्यू प्रोसेस को रिपीट करना है और बहुत जल्दी आपका डॉग सिट सीख जाएगा। और स्नोई ने पहला मतलब सीखा था सिट ही सीखा था स्नोई ने पहला। सो ये बहुत टाइम से सीख रहा है सिट, तो उसको आता है सिट। आपको मैं बता दी ना जाओ आता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत आता है, अभी ट्रीट्स के बगैर करता नहीं है, तो धीरे धीरे आदत करवा देंगे। So yeah, let's start it. Snowy baby, क्या हुआ? हाँ, आपको बताओ क्या हुआ आपको? So यहाँ पे हम सेट करते हैं कैमरा। Yes, yeah, full. So this is the trick which I'm going to take it. So अभी हम अपनी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। So यहाँ पे मैंने ले लिए कुछ हाथ में ट्रीट्स यानी पेडिग्री। Okay, yeah, let's start. And yeah, guys, मैंने एक वीडियो में देखा था कि जब भी आप ट्रेनिंग करो ना तो अलग अलग जगह पे करो। जैसे सुबह मैंने हॉल में किया था, अभी यहाँ कर रही हूँ, बिकॉज एक ही जगह पे आदत लग जाएगी, ऐसे मैंने देखा था किसी वीडियो में। सो आपको भी वही बता रही हूँ। सो या, लेट्स। अरे स्नोई शेक कर रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कर रहा था, तो स्नोई ने समझ गया ये बोल रही है शेक का। सो या, लेट्स स्टार्ट। सिट, गुड बॉय। आपको ऐसा करना है, जो भी आपके डॉग को पसंद है। गुड बॉय, गुड बॉय माय बेबी, गुड बॉय। अब आपको रिपीट करते जाना है प्रोसेस। स्नोई को आता है ऐसे थोड़ा बहुत। स्नोई सिट सिट, यहाँ पे आओ ना,
हेलो नहीं उठो नहीं सो गाइस एक्चुअली वहां पे कोई दिख रहा है एंड वो भौंके जा रहा है हमारे नेबर्स नहीं है ऐसे ही हमारे पास पे रहते हैं हम बात नहीं करते हमसे नहीं वी आर नॉट नेबर्स हेलो सिट सो गाइस ऐसे मैंने रिपीट करते गई हूँ सिट बोलते गई हूँ एक 5-6 टाइम्स तो भी अभी लास्ट 3 टाइम्स बोलूंगी मैं देन वी स्टॉप यू क्या बस नहीं देन हम शेख की तरफ बढ़ेंगे ओके सो अभी मैं सिट बोल देती हूँ उसको नहीं सिट नहीं सिट इधर आओ बेबी दिखाओ ना सबको दिखाई नहीं रहा है और सिट हो जा रहा है इधर कर दिखा स्टे कमांड छोड़ दिया एक सेकेंड बेबी सो ओके गाइस अभी मैं आपको बताती हूँ अरे स्नोई करने नहीं दे रहा यार इसको दूर रहने का भी ऑफ का भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा सो गाइस अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर शेक हैंड ट्रेनिंग तो शेक हैंड ट्रेनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अच्छा हेलो 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 भागो दूर भाग तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा वी शुड टेक अ ट्रीट इन हैंड ऐसा हम मुट्ठी ऐसा कर लेंगे जो भी बोलते हैं हम वो ऐसा करना है हमको ट्रीट रखनी है फिर आपके डॉग के ना मुंह के पास रखना है फिर वो जल्दी से हाथ दे देगा अगर आप दूर रखोगे तो हाथों से लेट देगा अब शो यू लाइक सपोज इधर आओ बेबी इधर आओ ट्रेनिंग चल रही है आपकी आओ कैमरा सेट करने में टाइम लगे इसको बुलाते हैं आज उसने यहाँ जो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है आपको देखो मैंने से एक सेकेंड तो गाइस सपोज सी सिट सुनाई बेबी देखो यार सुनाई सिट सिट या गुड बाय अभी हमको क्या करना है उसको सिट करवाना है पहले ऐसे सपोज फिर उसके बाद यार वो लोग भी ना यार देखे जा रहे हैं नारे जा रहे हैं आपको बताती हूँ मैं एक सेकेंड सो आपको ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि उसको ज़्यादा मन करेगा लेने का तो आपको बस दो ही लेने ऐसा मैं जैसे आपको बोलता स्नोई जंप नहीं बोल बेटा सिट यस गुड बाय अब मैं आपको बताती हूँ प्रोसेस ऑफ शेक हैंड यार स्नोई सिट हो जाओ फिर से इसको स्टे की ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी सर ये क्योंकि आपको मुट्ठी भरनी है एंड ऐसा करना है देखो स्नोई को भी मैंने वैसे ही किया है वो थोड़ा सा आपका बाइट करेगा लेकिन ये कर दिया स्नोई ने आपको शायद दिखा नहीं होगा बट स्नोई ने शेक कर लिया फिर से बताती हूँ इधर आ जाओ बेबी वो चले ही गया सो गाइस यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है ऐसा रखना है मुंह के पास रखना है देन वो आपका हैंड शेक कर लेगा सो या यही थी और नेक्स्ट इज स्टे ओके हम शेक का थोड़ा दो बार रिपीट कर ले फिर हम स्टे करेंगे ओके यार ये बैठ ही नहीं रहा ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो हम इसको बिठा के फिर मिलते हैं सो फिर मैं क्या करूँगी इसको ऐसे रख लिया अब देखो ये शेक करेगा यस कर दिया ऐसा शेक कर लिया थोड़ा भी करा तो दे दो इसको समझ में आएगा कि हाथ देने पे होता है सो ये प्रोसेस मैं रिपीट करूँगी ये आप रिपीट करना नेक्स्ट इज टू स्टे सो स्टे के लिए भी आपको पहले सिट करवाना है देन आपको स्टे करवानी है सिट करवाओ नहीं कराओ इट डजंट मैटर्स सो सबसे पहले आपको 3 सेकेंड्स करने हैं तो आपको बताती हूँ आई आई नो स्टे स्टे ये विदाउट वीडियो में बहुत इजीली कर पाती हूँ यहाँ पे सेट कर लेती हूँ इधर नहीं आ रहा यार स्टे अरे 3 सेकेंड तो कर लिया वही बोलता है वरना बहुत खूबता है ये तो ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है
ऐसे ही आपको पास लाना है, स्टे हो गया 2 सेकंड भी काफी है, धीरे धीरे आप टाइम का वो बढ़ाते जाओ, ड्यूरेशन जो भी कहते हैं। सो गाइज यही 3 थी जो अभी मैं सुनी को सिखा रही हूँ, बाकी की वीडियो आएगी नेक्स्ट सेशन में, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज खुशी वीडियोस, एंड मैं बहुत जल्दी खुशी स्नोई वीडियोस करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यार मेरा ही नाम, भले ही स्नोई का चैनल हो फिर भी। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय टू ऑल फ्रेंड।